यूपी स्कॉलरशिप के चैनल पे सभी स्टूडेंट्स का, भाई बहन का वेलकम है। और आज हमारा स्कॉलरशिप का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका स्कॉलरशिप का जो स्टेटस है, आपने चेक किया स्टेटस और लिख के आ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाइड है, वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। यदि ऐसे लिख के आ रहा है आपके स्टेटस में तो आपको अब उम्मीद लग गई कि आपका स्कॉलरशिप का पैसा आपको मिल जाएगा और विभाग वेरीफाइड कर देता है तो ये पता चल जाता है कि आपका फॉर्म वेरीफाइड है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस समय अपने पूरे भारत में एनपीसीआई डीबीटी के माध्यम से जो स्कॉलरशिप का पैसा है या अन्य कोई भी सब्सिडी का पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से आता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उसको बोलते हैं। मतलब बीच में बिचौलिया जो मतलब खेल कर जाते थे, गबन हो जाता था, वो ना होने पाए इसलिए भारत सरकार ने डीबीटी लॉन्च किया एनपीसीआई के तहत। अब आपको लगा कि आपने स्टेटस चेक किया, मेरा तो फॉर्म वेरीफाइड है, रिकमेंडेड है, मेरा स्कॉलरशिप आ जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको अलर्ट रहना है, आपका स्टेटस बदल सकता है। DWO स्टेटस हमेशा अपडेट करता रहता है। तो आप आज चेक किया आपका वेरीफाइड है, लेकिन हो सकता है बैंक आपका रिस्पांस ना दे तो आपका स्कॉलरशिप रुक सकता है, नहीं आएगा। इसलिए आप जो है आधार कार्ड की वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा और अपना आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर डाल के एनपीसीआई से लिंक है कि नहीं आपका बैंक अकाउंट, और आधार कार्ड चेक करते रहें। बीच बीच में ये काम सारे स्टूडेंट्स को करना है, वो चाहे प्री मैट्रिक के स्टूडेंट हो चाहे पोस्ट मैट्रिक के स्टूडेंट्स हो, और सभी कोर्स वालों को भी करना है, चाहे भी किसी भी कोर्स के आप स्टूडेंट्स हैं, एनपीसीआई आपको जरूर चेक करना है। यदि स्कॉलरशिप पाना है तो एनपीसीआई आपके खाते में लगा होना चाहिए, यदि एनपीसीआई नहीं है तो आप भी स्कॉलरशिप पाना भूल जाइए, आपको स्कॉलरशिप कतई नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एनपीसीआई कितना इम्पोर्टेंट है। इसका वीडियो भी मैंने बताया है कि आप बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है कि नहीं। आप मेरा चैनल विजिट कर लीजिएगा, आपको स्कॉलरशिप की ढेरों वीडियो मिल जाएंगी, अनेकों वीडियो मिल जाएंगी, आपका समस्या सॉल्व हो जाएगा। फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। एनपीसीआई करना न भूलिएगा और लाइक करना वीडियो न भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा, और स्टूडेंट्स को भेजिए। आप भी स्कॉलरशिप चाहते हैं, अगला भी स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप उम्मीद करता है कि उसको भी मिल जाए।